2021 के टारगेट्स के लिए ये इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट होंगे, लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में इससे ऊपर के टारगेट्स भी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके सचिन जी भी हमारे साथ हैं, जैसे कि पारी की ओपनिंग करते हैं, लेकिन आज सचिन जी पीछे से बैटिंग करने आए, थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में नीचे है, लेकिन सचिन जी बताइए स्ट्रॉक आपका दमदार, स्ट्रॉक आपके दमदार में ही रहने वाले, कौन सा स्टॉक है आपका बिजनेस? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, आपको और इसके सारे दर्शकों को गणेश उत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं। एंड जो बिजनेस का शेयर मैंने चुना है वो है स्पाइस जेट। अगर ये ओवरऑल सेक्टर देखें तो काफ़ी समय के बाद ये पर्टिकुलर सेक्टर में एक अच्छी हलचल हो रही है, एंड स्पेशली अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट देखें तो पिछले चार दिनों से कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आया था चलते चलते। तो ओवरऑल अगर हम क्वार्टरली चार्ट देखें, मंथली चार्ट देखें, तो मुझे लगता है लार्जर डिग्री पे कहीं पर यहाँ पर रिवर्सल ऑफिस स्टैब्लिश हो चुका है, एंड ट्रेडिंग के लिहाज से भी यहाँ पर पोजिशन बनाई जा सकती है। तो जिस तरीके से यहाँ पर सेटअप है, मुझे लग रहा है बात 60-62 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको क्रिएट करनी है, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 44 तक का, पर मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉप अपने पोर्टफोलियो का पार्ट भी रहना चाहिए, तो मुझे लग रहा है ऊपर के लेवल अराउंड 80 तक भी आ सकते हैं अगले कुछ महीनों में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन और एक अक्यूमुलेशन से ये स्टॉक ओवर के नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल एस्टैब्लिश हो चुका है, तो 44 के स्टॉक